नमस्कार दोस्तों, छत्तीसगढ़ लेटेस्ट न्यूज अपडेट में तो इस समय की बड़ी खबर सामने आई है। ऑपरेशन राहुल को लेकर बड़ा अपडेट। बिलासपुर से पहुंची ड्रिल मशीन। जांजगीर चांपा बिलासपुर से ड्रिल मशीन रेस्क्यू स्थल पहुंच गई है, कुछ देर में नीचे ले जाया जाएगा। इससे ही सुरंग की राह में बाधा बने चट्टान को काटा जाएगा। राहुल साहू करीब 80 फीट गहरे बोरवेल में गिरा है। 52 से 54 घंटे तक करीब 60 फीट तक बोरवेल के पास पोकलेन, जेसीबी और ड्रिल मशीन से खुदाई की गई। रविवार की रात को बोरवेल तक टनल बनाने का काम शुरू हुआ, ताकि राहुल को खुदाई की वजह से काई नुकसान न हो। उम्मीद जताई जा रही थी कि रात में शुरू हुआ टनल निर्माण अल सुबह तक पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद सुबह राहुल को लेकर अच्छी खबर मिलेगी, लेकिन टनल बनाने के रास्ते में चट्टान बड़ी बाधा बन गया है। चट्टान के आगे सब मशीन फेल साबित हो रही है, इसके चलते टनल बनाने के काम भी धीमा हो गया है। बता दें कि छत्तीसगढ़ में अब तक का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। जांजगीर जिले के पिहरित गांव में एक खुले बोरवेल में 10 साल का बच्चा गिर गया है। राहुल साहू नामक इस बच्चे को बचाने के लिए पिछले करीब 65 घंटे से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। शासन प्रशासन, पुलिस के साथ ही एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम बच्चे को बचाने में जुटी हुई है। जैसे जैसे रेस्क्यू का समय बढ़ रहा है, परिवार वालों की बेचैनी बढ़ रही है।